नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अपनी एक ऐसी केस स्टडी के बारे में जिसमें मैंने सिर्फ घर में रखी अलमारी को रिलोकेट करवाकर प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाया। तो चलिए जानते हैं कैसे। मेरे क्लाइंट हैं जो हैंडीक्राफ्ट के व्यवसायी हैं। वो घर से ही अपना काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल सेलर एवं ऑनलाइन ऑर्डर पर बेचते हैं। वो काफ़ी सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं और उनके सभी ग्राहक उनके काम से संतुष्ट थे। उनके प्रोडक्ट्स की सेल भी अच्छी थी और उनको ऑर्डर्स भी अच्छे आते थे। लेकिन लगभग कुछ महीनों से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट्स की सेल धीरे धीरे कम होती जा रही थी और ऑर्डर्स आना भी बंद हो गए थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और जिसके कारण वो काफ़ी परेशान भी थे। फिर एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने अपनी मुझे ये सारी समस्याएँ बताई। मैंने उनसे कहा कि आप सबसे पहले अपने घर का 2D स्केल मैप बनवा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैप बनने के बाद मैंने उनके घर विजिट किया तो मैंने देखा कि उनकी जो प्रोडक्ट्स की अलमारी थी जिसमें उन्होंने जो प्रोडक्ट्स रखा था वो SSW जोन में रखा हुआ था, जो कि महावास्तु के अनुसार विसर्जन का जोन है। और यही कारण था कि जो उनके प्रोडक्ट्स की सेल थी वो कम हो गई थी। और दूसरी जो दिशा जो व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वह है नॉर्थ की दिशा, क्योंकि नॉर्थ की दिशा ही हमें व्यापार में नए ग्राहक देती है। इसलिए इसका बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है और उनके घर में नॉर्थ की दिशा बैलेंस थी, क्योंकि उनके यहाँ ग्राहक तो आ रहे थे लेकिन वो उनके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। और महावास्तु में अट्रैक्शन का जोन है NNW का। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि जो उनके प्रोडक्ट की अलमारी थी जो साउथ और वेस्ट दिशा जोन में रखी हुई थी उसे मैंने NNW जोन में शिफ्ट करवा दिया। इतना करने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 21 दिन के बाद बताइएगा कि आपने क्या फ़र्क महसूस किया। लेकिन 21 दिन पूरा होने से पहले ही उनका फ़ोन आया और वो बेहद खुश थे। उन्होंने बताया कि मैम मेरी प्रोडक्ट की सेल तो वापस से बढ़ गई है, बल्कि इस बार तो दुगना सेल हुई है और मुझे नए ऑर्डर्स मिलना भी चालू हो गए। तो आपने देखा कि कैसे महावास्तु के सरल उपायों से हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें mvtnet.net पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।